वेलकम बैक हो गया नेदर व्लॉग के अंदर। अभी भाई हम लोग एक और दफा आए हैं दिल्ली मुस्लिम इलेक्शन जो के 1988 में शुरू हुआ और तब एक ब्रांच थी, अब माशाल्लाह से बल्दिया टाउन में 3 ब्रांचें हैं। पिछली दफा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसकी वजह से हम लोग वापस से आए हैं क्योंकि इनका मेन्यू इतना बड़ा है कि भाई दूसरी दफा चक्कर लगाना तो बनता है ना यार। तो पिछली दफा आए थे आप लोगों ने देखा कि हमने चरका ट्राई किया, इसके अलावा इनका सालन ट्राई किया। इस दफा कुछ नया स्पेशल और हो जाए, ठीक है ना, जैसे इनकी लाल बोटी हो गई। इसके अलावा बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हैं अभी और रिव्यू करके बताते हैं। चलो अभी पार्सल हो रहा है इनका स्पेशल चरगा जो कि किसी ने फुल चरगा ऑर्डर किया और अभी मैं आप लोगों को पार्सल दिखाता हूँ कि पार्सल कैसा होता है। पार्सल में देखते हैं ये लोग कैसे देते हैं। चेक मारो फॉइल और उसके ऊपर मसाला डाला, मसाला ही तो इसकी असल जान है भाई। अभी तैयार हो रहा है डाइनिंग के लिए चरगा और चेक मारो ये कैसे देते हैं। देखो ये हाफ चरगा है, 2 पीस डाले और उसके ऊपर मसाला डाला, स्पेशल मसाला। इसके ऊपर फुल भाई बारिश की फ्राइज की और अब तैयार है इनका चरगा। अस्सलाम राशिद भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। ये राशिद भाई, यहाँ पे बल्दिया टाउन में हमारा जो ये दिल्ली रेस्टोरेंट है जी जी जी। ये मेरी पैदाइश से भी पहले का है। बिल्कुल ठीक है, ये तो 1998 से है ये यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल 1998 से चल रहा है। और यहाँ पे 1998 से मतलब आपके पास कौन सा आइटम है जो आज तक है, और इसके अलावा न्यू आइटम कौन से और बेस्ट रनिंग आइटम आपके पास कौन से? सर हमारे पास तो ये है, इसे कहते हैं हम लाल टिका, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। सही, जो ये चीज है ना ये आपको पूरे कराची में नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमारी बहुत सी चीजें लॉन्च हुई है, जैसे कि चरगा हो गया, चरगा भी हमारा बहुत स्पाइसी है। इसके अलावा व्हाइट चिकन हो गई, बीफ रोल वगैरह, चिकन रोल वगैरह। आप लोग यहाँ पे पहले बंदे या बल्दिया में लाने वाले? जी जी, पहले चरगा नहीं जी, जी 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 बिल्कुल, इससे पहले बल्दिया में कोई आपको चरगा नहीं मिलेगा। कितना अर्सा हो गया चरगे को? चरगे को कम अज कम 2 साल हो गए। 2 साल में हमारे को माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खासी रनिंग मिल गई, अच्छी रनिंग है। और इसके अलावा आपके पास कौन कौन सा आइटम है यहाँ पे? इसके अलावा हमारे पास लाल टिक्का हो गया, मलाई टिक्का हो गया, चटक बोटी हो गई, बिहारी बोटी हो गई, चिकन बोटी हो गई, बीफ बोटी हो गई, मलाई बोटी हो गई, मलाई चिकन बोटी हो गई, कटाकट हो गया, कीमा कलेजी दाल कटाकट, जिंगर बर्गर, बीफ बर्गर, चिकन बर्गर, कलर सैंडविच, ब्रोड चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन फ्राई, तकरीबन काफी आइटम है। ये तो भूल ले, जी जी जी। अच्छा, और यहाँ पे बेस्ट रनिंग आइटम आपके पास कौन? बेस्ट रनिंग टेस्ट यहाँ पे करवाने आपको हम अपना टेस्ट कराएंगे, स्पेशल लाल टिक्का जो कि रेगुलर टिक्का है और फुल स्पाइसी। इंशाल्लाह आप खाओगे तो आप याद करोगे कोई चीज खा के गए। इसके अलावा आपको हम चरगा चेक करवाएंगे, व्हाइट चिकन भी चेक करवाएंगे। ठीक है, मतलब ये आपके यहाँ पे 3 चीजें जो है बेस्ट रनिंग है। बेस्ट रनिंग है, टिक्के की तो रनिंग आप पूछो ही नहीं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये लेग पीस यहाँ पे पड़े हुए, मतलब ये क्या सिस्टम है यहाँ पे? ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये ड्रम स्टिक बोलते हैं इसे। ठीक है, ये भी टिक्के की टक्कर की है। ठीक है, इसे कहते हैं ड्रम स्टिक। है कोई आता है जैसे फरमाइश हो गए सर लेग पीस के सिर्फ पीस चाहिए तो हम उसके लिए ये लगा रहे हैं। टिक्का ये भी टिक्का है। ठीक है, मतलब सेम जायका होता है? जायका सेम होता है, 19-20 का थोड़ा सा होता है, इसमें थोड़ी सी स्पाइस कम करते हैं हम, लेकिन जो लाल टिक्के की स्पाइस है ना इसको हम नहीं चढ़ते। वो भी है। दिल्ली रेस्टोरेंट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे इनका चरगा हो गया, इनके पराठे हो गए, इनका सालन हो गया, इनकी कढ़ाइयाँ हो गई, इसके साथ साथ यहाँ पर इनके बारबेक्यू आइटम्स हो गए, इसके साथ साथ यहाँ पर कबाब रोल भी मिल जाता है और फास्ट फूड में भी अलग सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग आज आप लोगों को इनकी स्पेशल आइटम ट्राई करवाएँगे, देखते हैं कि भाई टेस्ट में कैसे होते हैं। ज़रा खाने से पहले इनका डाइनिंग एरिया तो बता दूं। फर्स्ट फ्लोर में फैमिली एरिया है और सेकंड फ्लोर में हमारे बैठने की जगह है, जहां पर गर्मी को देखते हुए इन्होंने एसी भी लगाया हुआ है। भाई आराम से बैठ के सोफे के ऊपर बैठ के खाओ। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्लेटर भी आ चुका है जिसमें सारे के सारे खास बारबेक्यू आइटम्स हैं। वैसे यहाँ पर ये प्लेटर मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उनको बोलोगे कि यूट्यूबर्स को जो प्लेटर बना के दिए थे वही बना के दो, तो भाई वही आप लोगों को ला के देंगे। प्लेटर आ चुका है, ये आइटम है, इसके साथ साथ वो भी हैं, लेकिन सबसे पहले इसको बताता हूँ। आ गया हो भाई, आ गया हो, चेक करो ये चरगे का पीस, ठीक है ना, लाल बोटी हो गई, ठीक है, यहाँ पर ड्रम स्टिक हो गए, ये मलाई बोटी, साथ में ये मसाला बोटी, फ्राइज हो गए, साथ में यहाँ पर देखो सालन चिकन का, ये है ये फेमस वाइट कढ़ाई है, और साथ साथ ये माश की दाल। ये माश की दाल मैंने स्पेशली मंगाई है क्योंकि भले यहाँ पे फास्ट फूड जो भी हो जाए देसी लाजमी होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। रिव्यू बताते हैं, ठीक है,
सब कुछ पड़ा हुआ है, बाइट लेते हैं ठीक है और बताते हैं। इन सारी चीजों का हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हम आए इतने बड़े होटल दिल्ली रेस्टोरेंट में, हम तीनों भाई यहाँ पे रिव्यू करेंगे थोड़ी थोड़ी चीजों का, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ रिव्यू किया तो 20 मिनट की वीडियो आपने मेरी देखी है, तो चलो उसमें लगे करो वीडियो चालू करते हैं भाई रिव्यू। चलो सबसे पहले चरगा करते हैं, यहाँ पे पराठा औरते बिलाल भाई चरगा ट्राई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनकी ये वाइट बोटी है, ये मन नीचे लाना वाइट बोटी चरगा, देखो फुल मसालेदार चरगा, हम ये वाइट बोटी पे फोकस करते हैं, ये देखो वाइट सैलेड ट्राई कर रहे हैं और ना वाइट बोटी ट्राई कर रहे हैं, फुल मसालेदार इनका जो है ना चरगा मसालेदार, मजा आ गया। अब वो चीज ट्राई करते हैं जो कि भाई भाई ने इतनी दफा बोला कि वो लाजमी ट्राई करो, और वो है लाल टिक्का, ठीक है ये है क्या बोलते जूसीनेस का जायका अच्छा। लाल भाई आपने चरगा ट्राई किया, आपको चरगा को क्या मतलब आपको कैसा अच्छा लगा, कैसा लगा भाई चरगा? बहुत ज्यादा मसालेदार, और ये नहीं लग रहा था कि रायता खत्म हो जाए, फिर भी मजा आएगा इसको खाने में, ठीक है ना। अभी इनकी ये लाल बोटी है ठीक है, जो भाई भाई ने इतनी दफा तारीफ की तो ट्राई करते हैं, ये बोला था कि जो इनकी जो लाल बोटी है ना ये सबसे फेमस है, तो ये एक बोटी से मतलब ये इनकी क्या है यार ये टिक्का, ये जो लाल रेड टिक्का है ये इनका यहाँ पे सबसे फेमस है, तो बिलाल भाई अभी ये रेड टिक्का ट्राई करने जा रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे चरगे का रिव्यू देख लिया। चलें भाई हम यहाँ पे पराठा छोड़ेंगे, यहाँ पे ड्रमस्टर है इनके पास, जैसे हम लोग टिक्का खाते हैं टिक्का टिक्के से बिल्कुल अलग है, मतलब मसालेदार और मजे के, ये इनकी ड्रम स्टिक ट्राई करते हैं। आपने टिक्का खाया कैसा लगा आपको टिक्का? भाई मजेदार, क्योंकि टिक्का खाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये भाई मसालेदार और जूसी मजेदार। ये प्लेटर यहाँ पर मिलता नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनवाई गई हैं, ठीक है ना। हमें ना यहाँ पे चीज़ों में सारी चीज़ें A1 मज़ा आए। अपनी चीज़ ट्राई करते हैं वाइट बोटी, देखो पराठे साथ में यहाँ पर आगे चपाती, क्यों ना रुकी रुकी थी, लेकिन जो इनकी जो रेड बोटी है ना इसमें एक मसालेदार जायकेदार और इनका टेंडर भी बहुत, ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट चेक करो भाई, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी इतना ज्यादा मसालेदार नहीं है, जो मतलब सादा खाना चाहते हैं उनके लिए ये A1 है। यहाँ पर आइटम तो इनके पास बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोगों ने आधे आइटम ट्राई किए, मतलब इनके जो सालन है वो अभी तक ट्राई नहीं किया, दाल हो गया और इसके अलावा यहाँ की बोटी, ठीक है ट्राई करते हैं बताते हैं। भाई इनकी चीज़ें मैंने ट्राई की सारी ठीक है, मज़ा आया, आप लोग भी लाजमी ट्राई करो, जिनको सादा खाना पसंद है उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें हैं, और जिनको स्पाइसी खाना पसंद है वो भी आ सकते हैं, और उनको बताना कि भाई ये जो प्लेटर बना के दिया था बिलाल भाई को वो वाला प्लेटर बना के दो, और इन लोगों ने अपनी प्राइजेज भी कम किए हैं और पहले के मुकाबले में, और इनका फास्ट फूड भी है, देसी फूड है, चरगा है, बहुत कुछ है, मज़ा आया खा के, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा वीडियो देख के, सब्सक्राइब लाइक शेयर बातें करता है ये खाना, यकीन मानो ये खाना नहीं खाता, बहुत बातें करता है, बस तू वीडियो बनाता रहे, हम खाना खा रहे और तू घर निकल, आधा खा के आधी वीडियो बना के इधर बोल रहे हैं यार, मिलते हैं किसी और मज़े का खाना है ना। बिलाल भाई की वीडियो नहीं देखो आप लोग, मेरे यूट्यूब पर आओ, जैफा के हम दोनों के यूट्यूब टिकटॉक पर आओ, इनके यूट्यूब पे आओ, इनके यूट्यूब का नाम है बिलाल व्लॉग्स, ठीक है आ जाओ और सब्सक्राइब भी करो।